हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने डिस्कस किए थे पार्टनरशिप के टाइप्स, जिसमें से एक टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने दो टाइप्स के पार्टनरशिप डिस्कस की थी, वो थी हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का एक इसेंशियल फीचर होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो कोई भी पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो उसी सीरीज में दो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैं, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। चलिए डिस्कस करते हैं जनरल पार्टनरशिप को। जनरल पार्टनरशिप इज दैट पार्टनरशिप इन विच ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी इस पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड, यानी उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बिजनेस के लॉसेस के लिए वो कंप्लीटली लाइबल होंगे। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर भी बिजनेस के लॉसेस का पेमेंट किया जाएगा। इन एडिशन टू दिस, इट हैज फॉलोइंग फीचर ऑल्सो, इसके अलावा भी इसमें कुछ फीचर और होते हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है इसका कि इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट होता है। तो यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स हैव इक्वल राइट इन पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसका दूसरा पॉइंट है, इसका कि जनरल पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होते हैं, बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे द एक्ट ऑफ ईच पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर्स, यानी अदर्स ऑल्सो। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कोई काम कर रहा है तो उस काम का कॉन्सिक्वेंस दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी उसी वे में आएगा जिस वे में वो उसके ऊपर आएगा। क्लियर। नंबर तीन, इस प्रकार के पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। इस टाइप की पार्टनरशिप को बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट किया जा सकता है। यानी यहाँ पे द रजिस्ट्रेशन ऑफ जनरल पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। पॉइंट नंबर फोर, इस प्रकार की पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो किसी भी पार्टनर की डेथ
इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट की वजह से अफेक्ट हो जाता है। तो इसमें द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप मे बी अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर की मृत्यु, रिटायरमेंट या उसका दिवालियापन उस फर्म को अफेक्ट कर देता है। तो ये इसके मेन चार कैरेक्टरिस्टिक्स और थे अनलिमिटेड लायबिलिटी के अलावा। तो स्टूडेंट्स, जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा टाइप, दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, वो केवल और केवल आप एक पार्टनर से भी पूरा करवा सकते हैं। यानी कम से कम एक पार्टनर ऐसा हो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, जिसे अनलिमिटेड पार्टनर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जनरल पार्टनर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पार्टनर मिनिमम ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। तो इसमें इन लिमिटेड पार्टनरशिप देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर, दैट इज जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनर्स। अंडर दिस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप there should be at least one general partner who have अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड पार्टनर्स। विच हैव लिमिटेड लायबिलिटी। यानी अगर पार्टनर्स लिमिटेड होता है, अगर पार्टनर लिमिटेड होता है तो उसकी लायबिलिटी
केवल बिजनेस में उसका जो शेयर लगा हुआ है वहाँ तक ही लिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के लॉसेज के लिए लायबल नहीं होती हैं। तो इस टाइप की पार्टनरशिप में दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक जनरल पार्टनर्स और दूसरा लिमिटेड पार्टनर्स। और इस पार्टनरशिप में कम से कम एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर, जो जनरल पार्टनर क्या होता है, जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, और रिमेनिंग पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड पार्टनर्स, जिनकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ फीचर्स और होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन एडिशन टू दिस, इट हैज फॉलोइंग फीचर्स ऑल्सो। नंबर एक, यहाँ पे जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनके मरने से, उनके रिटायरमेंट से या उनकी इंसॉल्वेंसी से फर्म के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय डेथ रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी किसकी, ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स। यानी अगर लिमिटेड पार्टनर मर जाएं, रिटायर हो जाएं या दिवाली हो जाते हैं तो फर्म के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म विल बी कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट, जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट में कोई राइट नहीं मिलता पार्टिसिपेशन का। द लिमिटेड पार्टनर्स डज नॉट हैव एनी राइट इन मैनेजमेंट। और नंबर तीन, कि लिमिटेड पार्टनर्स अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट दूसरे पार्टनर्स के ऊपर बाइंड नहीं होता है। इसमें द एक्ट ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन अनदर पार्टनर्स और फर्म। कि इसका जो एक्ट है, सॉरी, लिमिटेड पार्टनर्स का जो एक्ट है, द एक्ट ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स का एक्ट किसी दूसरे पार्टनर के ऊपर बाइंड नहीं होता है। द एक्ट ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन अनदर पार्टनर्स और फर्म। और सबसे मेन पॉइंट, कि जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, सॉरी, लिमिटेड पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। तो लास्ट पॉइंट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ
लिमिटेड पार्टनरशिप इज कंपल्सरी, अंडर द एक्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसे शॉर्ट में बोलते हैं LLP 2008। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, एक एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और ये एक्ट 2008 में पास हुआ था, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। सो इट वाज द लिमिटेड पार्टनरशिप। सो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें एक पर्टिकुलर और दूसरा विल। पर्टिकुलर में टाइम पीरियड या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप होती है, जबकि विल में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। पार्टनरशिप की इच्छा के ऊपर ही पार्टनरशिप डन की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में जनरल पार्टनरशिप में सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि लिमिटेड में जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, उसे हम अनलिमिटेड पार्टनर बोलते हैं या जनरल पार्टनर बोलते हैं। इट वॉज द लेक्चर नंबर 27। ओके, थैंक यू सो मच। पूरा देखें वीडियो और नोट्स अपने वीडियो से ही आप करें। थैंक यू।